नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था, पीआरएसयू पर समग्र चर्चा इस वीडियो की बात हम आज करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम सिलेबस, ऑनलाइन क्लासेस और मॉनिटरिंग से संबंधित बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि ऐसे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, अपने सभी क्लासमेट्स तक और अपने कॉलेज के ग्रुप में सेंड करें ताकि उनको भी जो है जानकारी हो। तो ऐसे अपडेट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आज की जो है चर्चा पर बात करते हैं। यहाँ पर COVID-19 के कारण आप सभी को पता है कि स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो बाधित हो चुकी है, तो इसी कारण ऑनलाइन कक्षा लेने का जो है आदेश आया था। अब आदेश आने के बाद भी जो है कक्षाएं तो कुछ स्कूल और कॉलेज में स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है। 133 से ज़्यादा हमारे पास कॉलेज हैं यहाँ पर जो कि पीआरएसयू से कनेक्टेड है, और तकरीबन 70% 133 का 70% आप निकाल सकते हैं ऐसे कॉलेज में कक्षा अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। साथ ही ना तो कोई मॉनिटरिंग है ना तो कुछ, तो इस पर ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें समग्र में यहाँ पर, तो बहुत सारे छात्रों ने मुझे जो है मैसेज किया था और जो है कमेंट भी किया है यहाँ पर, और इंस्टाग्राम में भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सिलेबस का क्या हुआ, सिलेबस में जो चेंज होने वाला था रविशंकर विश्वविद्यालय का, बात उठी थी 93 से जो है ज़्यादा कॉलेज यहाँ पर रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, वो ऐसा चाह रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि सिलेबस में बदलाव हो, चेंजेस हो, नहीं शुरू की ऑनलाइन कक्षाएं। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि स्कूलों का जो है कुछ कक्षाओं का सिलेबस को कम कर दिया गया है, वैसे ही पीआरएसयू भी जो है वो कम करेगा, क्योंकि ड्यूरेशन तो 6 महीना यहाँ पर मान 6 महीना नहीं हुआ है, लेकिन 6 महीने की पढ़ाई तो अभी तक हो जाती थी, तो वो 6 महीना तो बीत गया। तो अभी सिलेबस में बदलाव का इंतज़ार करते 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 अभी यह समय गुजर चुका है और ऑनलाइन कक्षाएँ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। शासन ने 2 नवंबर से क्लासेस शुरू करने के निर्देश दिए थे और रविशंकर विश्वविद्यालय में मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं है। यह जो है मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है पेपर कटिंग है उसी के बारे में आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है दैनिक भास्कर रायपुर, है ना। ओ यहाँ पर देखिए, बात करें यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि जानिए किन कारणों से नहीं लग रही है ऑनलाइन कक्षाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन कक्षाएं की, फिर उसके बाद हम सिलेबस के बारे में भी बात करें, पूरी डिटेल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले चलिए यहाँ पर सिलेबस को ही बता दें, तो सिलेबस को लेकर भी संशय बरकरार। अब कोविड के कारण सेशन डिले हो चुका है, वही स्नातक के सिलेबस में संशोधन की बात की भी जा रही थी। हम लोगों ने कुछ एक वीडियो भी बनाया था, उसमें जो है बताया भी था कि हो सकता है आपका सिलेबस कम कर दिया जाए। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था कम करने वाले थे, क्या हुआ, नया सिलेबस आया कि नहीं आया। तो दोस्तों, ऐसे बात है कि कुछ अपडेट आता है तो हम जरूर बताते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए बताया, लेकिन अब तक स्पष्ट दिशा निर्देश इस संदर्भ में नहीं दिए गए हैं। ऐसे में कॉलेजों के सिलेबस तय नहीं होने के कारण कक्षाएं शुरू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डायरेक्टरेट के अनुसार सिलेबस को लेकर UGC से भी कोई निर्देश नहीं मिला है। तो निर्देश मिला ही नहीं है, उधर से गाइडलाइन आया नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोई बात नहीं हो रहा है। कॉलेजों से नहीं मिल रही जानकारी, रविशंकर विश्वविद्यालय जो कॉलेज जो है ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के पहले ही प्रतिदिन अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कॉलेजों से डिटेल अब भी नहीं भेजी जा रही है। लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने कॉलेजों में कक्षा शुरू हुई है, बच्चे कक्षाएं रेगुलर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा, जिनके कॉलेज में अभी ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट हो भी गई होगी तो उसकी स्थिति आप सभी को पता है, है ना। छात्रों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही नहीं है, ये भी एक बड़ा दिक्कत है। चॉइस सेंटर के भरोसे रहते हैं ज़्यादातर छात्र छात्राएं, इसीलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब चैनल चालू किया हूं ताकि आपको मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि जो काम मैं घर बैठे कर रहा हूं वही काम आप भी घर बैठे कर सकें, और इन्फॉर्मेशन तो मैं दे ही रहा हूं। इसीलिए जो है मैं आप लोगों के लिए चैनल बनाया हुआ हूं कि आपको चॉइस सेंटर का जाना ना पड़े कोई दिक्कत। कुछ चीज़ों के लिए जाना ही पड़ता है, ठीक है, सही बात है, लेकिन जो है कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो खुद कर सकते हैं तो वो तो कम से कम करिए। तो फॉर्म भरने के दौरान मोबाइल नंबर मांगे जाने पर कई स्टूडेंट पेरेंट्स का नंबर दे देते हैं, साथ ही ईमेल आईडी में भी दिक्कत देखने को मिलती है, तो ये बड़ा दिक्कत होता है। खैर, राजधानी के तो नहीं कम से कम, लेकिन उनके आसपास जो क्षेत्र होते हैं, जो थोड़े से गाँव टाइप के एरिया होते हैं, उसमें बड़ा परेशानी यहाँ पर यह हो जा रहा है कि कुछ के पास
मोबाइल नंबर कुछ अलग अलग हो जाता है। तो ये सब दिक्कत की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, ग्रुप से नहीं जुड़े हुआ होना, स्मार्टफोन का ना होना, ये सब भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने जो है प्रबंधन ने मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी नहीं बनाई है। यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस यहाँ पर बोला जा रहा है कि 70% से जो है यूजी में सिलेबस के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। वही डायरेक्टरेट के अधिकारियों के अनुसार यूजीसी से अब तक संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। पीजी के सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं किया जाना है, ऐसे में इनकी कक्षाएँ विधिवत संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बोलना जा रहा है सिलेबस को लेकर अब तक। अब देखिए यहाँ पर कुल सचिव जो जी हैं जो कि रविशंकर विश्वविद्यालय से हैं, तो पीजी का सिलेबस वैसे का वैसा ही रहेगा, आपको क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर, जबकि यूजी के सिलेबस को लेकर अब तक स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। कॉलेजों से ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी मंगवाई जा रही है, इनकी मॉनिटरिंग के लिए भी विश्वविद्यालय में व्यवस्था की जा रही है। तो आप क्लियरली समझ लिए भाई, पीजी वालों का सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्लियर कर लिए जी। ये 2 से 4 नवंबर तक लगी कक्षाओं का ऑब्जर्वेशन अभी हो रहा है, ये जो है यहाँ पर रिपोर्ट आई है ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग। अब ये जो है रिपोर्ट आया है यहाँ पर कि स्टूडेंट से ली लाइव मोड में जानकारी। अब आपको इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, आप अपने आप में खुद सोच जाएंगे मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए न्यूज़पेपर भी कैसे लिखता है, लिखा जा रहा है कि उच्च शिक्षा आयुक्त ने सोमवार को लाइव मोड में ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग की। आधे दर्जन से अधिक कॉलेजों के स्टूडेंट से उन्होंने क्लास के दौरान सीधे चर्चा की। ज़्यादातर स्टूडेंट से ऑनलाइन क्लास को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। अब उत्साहजनक मिली या नहीं मिली वो तो आप सभी भी जानते होंगे जितने लोग ऑनलाइन क्लास मोड में पढ़ रहे हैं। कुछ ने कनेक्टिविटी की समस्या बताई। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त ने खुद ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग की। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्लास, कॉलेजों में लग रहे क्लास की जानकारी ली। पिछले दिनों सभी कॉलेजों से ऑनलाइन क्लास को लेकर रिपोर्ट मांगे जाने के बाद भी प्राचार्य अलर्ट मोड में थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि बड़े अच्छे से, मतलब अपने बीच जो है पाकर स्टूडेंट बड़े उत्साहित हुए हैं और उच्च शिक्षा विभाग को, और बड़े अच्छे से चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ रहा है। थोड़ा कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन बाकी सब बढ़िया चल रहा है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखिए नीचे, मैं चाहूँगा आप कमेंट करिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बताएं आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस कैसे कैसे चल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। दोस्तों नीचे टैग करें और ज़रूर लिखें, ठीक है, अपने क्लास के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन मोड पर अचानक अपने बीच पाकर स्टूडेंट उत्साहित हो गए, उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। आपकी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया या इस न्यूज़, इस वीडियो से संबंधित प्रतिक्रिया आपकी मैं जानना चाहूँगा पर्सनली। इसके लिए आप नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या आपको दिक्कतें आ रही है या आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया है ऑनलाइन के लिए या नकारात्मक प्रतिक्रिया, दोनों दोस्तों आप दोनों को लिखिए, मुझे इसका इंतज़ार है, मैं आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो दोस्तों ऐसे संबंधित वीडियो के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।